अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से वेलकम जी के इन्फॉर्मेशन अपडेट में। मैं हूं आपका होस्ट इरफान। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट के बारे में। आपको पता है पिछले 2-3 महीने से जो बीएसएफ सीआईएसएफ कैंडिडेट जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी यही डिमांड है कि वैकेंसीज़ को इनक्रीज़ किया जाए, हमें वो हक़ दिया जाए। लेकिन कल जो एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो कल इनकी बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो कल पार्लियामेंट में उनकी बात उठाई बीएसएफ सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट के बारे में, अब आने वाले टाइम में एक लेटेस्ट अपडेट आने वाली है। उन सब वैकेंसीज, बहुत सारे वैकेंसीज बीएसएफ सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट जो है वैकेंसी बहुत वैकेंट है अभी, और जेके पुलिस की भी वैकेंट पोस्ट भी अभी वैकेंट है बहुत सारे। इसलिए लेटेस्ट अपडेट आने वाली है, आने वाले टाइम में एक लेटेस्ट अपडेट आएगी बीएसएफ सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट के बारे में। ये कल जो पार्लियामेंट में जो इसका इशू उठा कल गृह मंत्री ने उठाया, तो इसके रिलेटेड जो आने वाले टाइम में एक लेटेस्ट अपडेट आएगी इन कैंडिडेट्स के लिए। और भी कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आने वाली है जेके पुलिस से रिलेटेड, बस आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल रखें, तभी आप हर एक अपडेट जो है रिसीव करोगे सबसे पहले। और जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी बीएसएफ सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट के बारे में, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए जेके इन्फॉर्मेशन चैनल पे। लेटेस्ट अपडेट जब भी आएगी, कब इनकी वैकेंसीज जो है इंक्रीज़ किया जाएगा, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए हमेशा, तो मैं अपडेट ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।